हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। आपको जैसे दिखाई दे रहा है, आज हम बात करने वाले हैं ग्लव कंपार्टमेंट की। अगर आपने ग्लव कंपार्टमेंट देखा होगा, बहुत सी गाड़ियों में मैंने देखा है, लोग बहुत ही उसको बल्की करके रखते हैं, बहुत भर के रखते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ आपको कौन सी चीज़ें अपने ग्लव कंपार्टमेंट में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत से लोग अपने जो एक मैनुअल होता है गाड़ी का, वो कैरी करके चलते हैं, गाड़ी के पेपर्स कैरी करके चलते हैं, बहुत कुछ उन्होंने एकदम बल्कि सा भर के रखा होता है सब कुछ अपनी गाड़ी में, जो कि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ग्लव कंपार्टमेंट, मैं बोलूँगा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा नीट है, बट बहुत बल्कि नहीं लग रहा है। मैंने जो काम की चीज़ें हैं वही सिर्फ रखी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर्स पड़े हैं, गाड़ी के पेपर्स पड़े हैं, नीचे पेन है, ये एक सैनिटाइज़र है, और गाड़ी का रिमोट है जो कि आज तक यूज़ कभी हुआ नहीं है। ये इतनी सी चीज़ें हैं। और जहाँ तक बात करते हैं, अगर आपको कभी कोई पुलिस वाला कोई चेक पोस्ट पे कोई रोकता भी है, तो आपको किन पेपर्स की ज़रूरत होती है जो आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी पेपर्स हैं, तो आपकी गाड़ी में रहने चाहिए, तो जिससे आपका जो ग्लव कंपार्टमेंट है वो बहुत बल्कि भी ना हो और आपको कभी कोई प्रॉब्लम भी फेस ना करनी पड़े। सबसे पहले आपको चाहिए होता है आपकी गाड़ी की RC, आपके पास होना चाहिए लाइसेंस, इंश्योरेंस के पेपर्स होने चाहिए आपके पास, और अगर आप POC आपके सिटी में मैंडेटरी है तो आपके पास POC। आपके पास सिर्फ ये चार डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। कोई आपके गाड़ी के कागज़ आपकी वो नहीं देखता है, तो आप उनको आप अपने घर पे आराम से सेफ रखिए। आपका जो यूज़र मैनुअल बुक होती है एक बल्कि सी, वो जो आप कैरी करते हो कि मैं अपनी सर्विस कराने जाऊँगा तब मैं यूज़ करूँगा, तो उसको भी आप अपने घर पर ही आराम से छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो आप उसको अपने घर पे छोड़ के रखिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इससे क्या है, आपका जो ग्लव कंपार्टमेंट है वो बहुत ही बल्कि नहीं होगा और एक नॉर्मल सा दिखाएगा, एक नीट एंड क्लीन लुक देगा। तो इतना ही आपको रखना है। और अगर आपके पास ये तो एक नॉर्मल ग्लव कंपार्टमेंट, अगर आपकी गाड़ी में एक कूल्ड वाला है जिसमें कूलिंग होती है, उसके अंदर आप फिर अपनी व्हाटएवर आप जो रखना चाहें, ड्रिंक्स वगैरह वो भी रख सकते हैं, स्मॉल वाटर बॉटल्स या कुछ भी रख सकते हैं। बट मैं एक जो नॉर्मल एक लुक की बात कर रहा हूँ, लोग बहुत बल्कि भर के रखते हैं इसमें कुछ ना कुछ, वो आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने घर पे रख सकते हैं। आप सर्विस कराने जाएंगे तो अपना यूज़र मैनुअल उठाइए और फिर ले जाइए इंस्टीट्यूट अपनी गाड़ी में यहाँ पे उसको रखने से, ठीक है? तो आज की वीडियो को मैं सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर और कुछ आपको जानना हो डॉक्यूमेंट्स के वगैरह बारे में या कुछ और भी, कोई भी गाड़ी का कोई भी हो, आपकी मन में सवाल हो, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे या फिर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको वहीं पे ही मिलूंगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं मेरे को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, इट कॉस्ट नथिंग। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।